आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए सैयद फैजी हैं, जो तालकटोरा करबला के मुतवल्ली हैं। हालांकि इन्हें यहां के तथा कथित जनाब मौलाना कलवे जवाद ने और अली जैदी ने कई बार अवैध रूप से हटाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वे नाकाम रहे हैं। इसके पीछे वजह सैयद फैजी का निडरता के साथ उनका सामना करना है। हम जानना चाहेंगे सैयद फैजी से कि आजकल मौलाना कलवे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी आपके खिलाफ क्या साजिशें रच रहे हैं। देखिए, अभी तो सबसे बड़ी एक यही है कि डीएन तिवारी यहाँ पे अपनी दावेदारी करता है तालकटोरे में जमीन की, तो उसी को लेके एक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद से एक पैमाइश के लिए पुलिस मतलब टीम एक गठित करी जाती है बार बार, तो उसका साथ पूरी तरह से ये लोग दे रहे हैं अभी तक के कि आओ तुम कब्जा कर लो, तुम जमीन तुम्हारी है, और वो आज तक के पेपरों में भी निकलवाता रहता आए दिन। और जबकि अभी 21 रमजान को भी पुलिस प्रशासन से एक टीम गठित कराई गई थी कि इसकी नपाई हो, जबकि यहाँ करबला में आज से नहीं करीब 300 साल पुरानी करबला है, पूरी फुल बाउंड्री है, उसकी ज़मीन कहाँ से आ जाएगी। तो इसके मतलब यही लोग तैयार कर रहे हैं, और ना कोई यहाँ पे नंबर है उसका, ना कोई कुछ है, जबकि करबला उससे पहले मुकदमा जीत चुकी है, जीते हुए है, और जीतने के बाद भी वो दावेदारी अपनी करता है, जबकि उसके पास जिसका नंबर बताता है ना ही उसने ज़मीन इसको बेची है कभी, ना ही इसके पास कोई रजिस्ट्री है, ना ही कोई इसके पास खसरा खतौनी में इसका नाम है, सिर्फ ये एक अपना पीपी रजिस्ट्री कराए हुए है, उसी से अपनी दावेदारी करता है। जब पुलिस प्रशासन अपने पेपर मांगता है तो पेपर ही नहीं दिखाता है। अभी जब दो बार नपाई की तारीखें निर्धारित की गई, तो जो मुतवल्ली बनाए गए हैं उनका फर्ज था कि वो आते और उसका सामना करते, उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, जो अभी मुतवल्ली बनाए गए हैं उनको हमने चार्ज ही नहीं दिया अभी तक के, ना ही हमने पहले चार्ज, अभी मेरे पास ही चार्ज है, तो अभी तो हम ही पुलिस को जो भी पेपर मांगे जा रहे हैं वो दे दिए हैं हमने सारे, और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो उनको अंदर नपाई के लिए आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पूरी बाउंड्री है, गेट लगे हुए हैं, और कोई कब्जा थोड़ी ना है वहाँ पे, रोजे बने हुए हैं और रोजों के साथ साथ कब्रें तक के बन गई हैं वहाँ। तालकटोरा करबला जो एक ऐतिहासिक करबला है, और ये एक ऐसी दरगाह और करबला मानी जाती है जहाँ लोगों का जुड़ाव रहा है एक लंबे अरसे से, आप मुतवल्ली रहे हों या आपसे पहले जो लोग रहे हों, यहाँ पे मुसलसल लोग आते हैं, लोग ज्यारतों के लिए आते हैं, लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग आसानी के साथ ये कबूल कर लेंगे कि कोई दूसरा इस पे इसकी ज़मीन पे दावेदारी करे? देखिए, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अशरा, चेलम, 21 रमज़ान, ये एक जुलूस होते हैं, उसमें मजमा काफ़ी होता है, मतलब 1-2 लाख की तादाद से लोग होते हैं। तो अगर ये कोई भी, अगर हम खुद भी चाह लेंगे कि हाँ चलिए इनको ज़मीन दे दिया है, तो हमको तक के वो निकाल के यहाँ से बाहर कर देंगे। पब्लिक का यहाँ पे एक पुरानी करबला है, सबकी आस्था है और जुड़े हुए लोग हैं, कौम नहीं चाहेगी कभी भी कोई आ नहीं पाए, और वो भी आप अंदर रोजों की ज़मीनों पे कहाँ से कब्जा कर लिया, कब्रें वहाँ बनी हुई हैं 100-100 साल पुरानी, उसके ऊपर कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं आप? ये बात आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि 21 रमज़ान के जुलूस की बात में जो बाधा डाली गई थी, उसमें लोगों ने, पब्लिक ने जो है गेट उठ तक तोड़ दिया था, हाँ। आपके खिलाफ भी शायद हंगामा कर दिया था। देखिए, जब कोविड का टाइम था तभी लोगों ने हंगामा करा था, तो ऐसे ही जो यहाँ पे सब लोगों का, हमारा ही एक मकसद नहीं है कि करबला हमारी है, करबला पूरी कौम की है, पूरी कौम उसको, जब जन्नतुल बकी उस पर बनी हुई है, जब जन्नतुल बकी कहाँ तोड़ी गई है उसका आज तलक के मनाते हैं हर साल, तो यहाँ अगर जन्नतुल बकी को वो लोग हटाएंगे कि ये जमीन जन्नतुल बकी वाली भी हमारी, तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस साजिश में लगे हुए हैं वो मौजूदा समय में आले सऊद के बराबर हैं? और क्या, वो लोग देखिए, उनकी जो लड़ाई है वो किसी भी हद तक के ले जाते हैं, उनको ये नहीं है कि करबला का नुकसान हो, चाहे रोजों का नुकसान हो, चाहे इमामबाड़ों का नुकसान, उनको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि वो तो परिवारवाद से अब जैसे अपने चेयरमैन बने हैं आज तक के, वो अपने रिश्तेदारों ही को मुतावली बना रहे हैं, सालों को मुतावली बना दिया, बहनोइयों को मुतावली बना दिया, चचिया ससुरे को मुतावली बना दिया, फूफिया ससुरे को मुतावली बना दिया, तो वो तो यही करते ही चले जा रहे हैं, वो अपने परिवार को ही सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वफों से नहीं मतलब है। लेकिन इस गुनाह में तो आप भी शामिल रहे हैं, क्योंकि जब उनको बनाया गया तो आपने साइन किया एज ए मेंबर। देखिए जब वहाँ पे सबकी सहमति थे बनाया गया था, तो उस टाइम पे ये था कि बोर्ड में हम अपनी तरफ से अगर लड़ाई झगड़ा करते तो हम अकेले बोर्ड में मेंबर थे, इनके मेंबर 6 मेंबर थे, हम अकेले मेंबर थे, तो हमने उसकी सहमति से क्या, जब वो पेपर होता है तो सबसे साइन कराई जाती, हमने भी कर दी। नहीं आप असहमत भी लिख सकते थे, असहमत लिख सकते थे, मगर वहाँ पे जब हम असहमत अगर लिखते तो वहीं पे ही शुरू हो जाती हमसे ऑब्जेक्शन कि आपने देखिए असहमत लिख दिया, आपने क्यों लिखा। जब 5-6 लोग मेजॉरिटी में काम कर रहे हैं तो एक हमने सोचा कि चलो लड़ाई झगड़ा ना हम भी करते थे। यानी आपने पूरी तरह से इनको सहयोग दिया। हाँ हमने तो खुद सोचा कि देखिए कौम में जो भी चीजें हैं, लड़ाइयाँ झगड़े सब चलते चले आ रहे हैं, हमने सोचा कि अगर हम इसमें शुरुआत करते हैं गलत तो एक ये होगा कि चलिए फिर से अभी ये लड़ाई लड़ रहे, वसीम रिजवी गया तो उसके बाद से ये शुरू हो गया, तो हमने एकदम कोई लड़ाई नहीं हमारे दिल में थी, ना ही हमने लड़ाई लड़ी, हम तो सीधे सीधे साइन करके चले आते थे। अच्छा तालकटोरा करबला में जो काम दिखाई दे रहा है, जो रोजों का निर्माण है या साफ सफाई है, या आपने बहुत बड़ा काम किया, कब्रें पहले अंधेरे में रहती थी, आपने उजाला करने की कोशिश की है कि हर कब्र पे नूर आ जाए, रोशनी दिखे, तो ये काम आपका खत्म हो गया या और भी इसमें कुछ आपकी योजनाएं हैं जो सोचा हुआ है। देखिए हम सोचे तो पहले ही से थे, हमने 2012 से मुतवल्ली हैं, और जो वफ में पहली बार मुतवल्ली बने हैं तो हम ही बने हैं, इससे पहले वफ ही नहीं थी ये करबला, वफ तो हम ही नहीं, हम ही लोगों ने पूरी जाके इनसे वफ कराई, वफ थी कब ये करबला, वफ में लाने वाले ही हम ही लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी जैसे काम हो रहे हैं 2012 से आज तक के, इमाम जनाब अब्बास का रोज़ा बना, जन्नतुल वकी बनी, मौलाली का रोज़ा बना, शहजादी का रोज़ा अभी कंप्लीट हो ही रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ लाइट पानी बिजली सारी व्यवस्थाएं जो नहीं है कौम ही करती है पूरी, जितने भी मोमिनीन हैं जो यहाँ पे आके चंदा देते हैं उन्हीं से ही काम होता है, हम थोड़ी ना करा रहे हैं, समझिए कि हर मोमिनीन ही काम करा रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मोमिनीन के ही दम से है। और अब आप की क्या योजना है इसमें और विस्तार की। देखिए मोमिनीन हमारा साथ देते रहेंगे, हम काम कराते रहेंगे, हमें कोई से डर थोड़ी ना है, ना ही ये करबला कहीं किसी के पास जा पाएगी, क्योंकि मोमिनीन हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम या डीएन तिवारी आ जाए, डीएन तिवारी के कोई भी आ जाए, जब जमीन उनकी यहाँ नहीं है तो मिल ही नहीं सकती है। वैसे भी आपके साथ यहाँ के तथा कथित जनाब हैं या नहीं है। देखिए हमारे साथ वो हो या ना हो, हमारे साथ पूरी कौम है, कौम उनके साथ भी रहती है, कौम जिसके साथ रहेगी तो कौम अपनी चीजें खुद बचाएगी। मतलब 12 मार्च के बाद भी उनके साथ कौम है। नहीं अब वो कौम उनके साथ हो या ना हो, जो कौम है करबलाओं दरगाहों को हमेशा बचाएगी, वो जो भी आदमी अच्छा होगा उसके साथ रहेगी हमेशा, और रहना भी चाहिए। अब मैं खुले तौर पे आपसे सवाल पूछूं कि क्या मौलाना कलबे जवाब आपके साथ हैं। अब वो उनसे पूछिए आप, अगर आप उनसे बात करिएगा। नहीं नहीं आपको आपने क्या महसूस किया। हमारे साथ तो नहीं क्योंकि, है क्योंकि दरगाह में जो जश्न हुआ उसमें हमारे ख्याल से आपके खिलाफ आपका नाम लेके बोला है। अब देखिए वो दरगाह में जो बोले मौलाना साहब, असल में चक्कर क्या है ना कि वो अपने ही हिसाब से नहीं चलते हैं, उनको कोई समझाता है तो बेचारे वो बोल देते हैं। देखिए उसमें अब वीडियो में आप देख लीजिएगा, अली जैदी साहब उनको कुछ समझा रहे थे तब उसके बाद वो बोले। अच्छा अच्छा मतलब आपको लगता है कि मौलाना साहब ठीक हैं, वो बहका दिए जाते हैं। हाँ मौलाना साहब बहका दिए जाते हैं, वो पता नहीं क्यों बहकाए जाते हैं, अब उनको कुछ ये लोग उनके ऊपर दबाव बनाते हैं या क्या चीज़ ऐसी करते हैं कि मौलाना साहब नहीं बोल पाते हैं जबकि उनको बोलना चाहिए।
क्या आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड रहना चाहिए या इसे भंग कर दिया जाना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड तो देखिए सरकार भी पूरा भंगी करने के ही प्रयास में है, क्योंकि जब से 20 सालों से वक्फ शिया वक्फ बोर्ड में जो भी चेयरमैन आया है, आज तक के सबको उम्मीद थी कि अब जो चेयरमैन आएगा तो सही से काम होंगे, आज तक के कोई सही काम ही कब हुआ? 20 सालों से यही सब काम चलते चले आ रहे हैं, वही काम अभी भी हो रहे हैं। नहीं, जो गलत काम हो रहा है, जैसे आप बताएं क्या गलत काम हुआ? गलत काम क्या, देखिए जहाँ अलल औलाद है वहाँ जो नहीं अलल खैर कर दे रहे हैं, जहाँ अलल खैर है वहाँ अलल औलाद कर दे रहे हैं, सारे वफ़ों को चेंज कर दे रहे हैं। जो लोग उम्मीद में लगाए बैठे थे कि ये हमारा वफ है, कि ये आएंगे सही आदमी, ये हमको देंगे फैसला सही, आज तक के किसी का सही फैसला कब हुआ? इन्हीं ने तो पहले स्पीच में अपने कहा था जो अलल खैर हैं वो अलल खैर रहेंगे, जो अलल औलाद हैं जैसे चले गए थे वो अलल औलाद कर दिए जाएंगे, वहां तो उल्टा हो रहा है। आपने बहुत बारीकी वाली बात कही है कि अलल खैर को अलल औलाद बना देना और अलल औलाद को अलल खैर, यानी गैर शरई काम करना। शरई काम, और ये बोर्ड चल रहा है मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब क्या वो जानबूझकर गैर शरई काम अंजाम दिलवा रहे हैं चेयरमैन से? देखिए चेयरमैन जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अब वो चेयरमैन बन गए, बनवाया उन्हीं ने, अब बनवाने के बाद में अब वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, उनकी ना मान रहे हो, उनकी ना सुन रहे हो। शायद महमूद पराचा ने इसी बात की तरफ इशारा भी किया। हाँ, इसी बात पे उन्हीं ने इशारा भी किया, अभी जो शिया महासम्मेलन में वो बोले भी थे इसी चीज पे। तो आप कल्बे जवाब से मिले, मौलाना से मिले कि जो है ये सब क्या करवा रहे हैं आप? क्योंकि आप तो वसीम के साथियों में रहे हैं और आपने मौलाना के विरोध का सामना भी किया है, आप लोगों के खिलाफ जम के इन्होंने विरोध किया है, तो अब वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वक्फ शादरा चला गया और कितने कब्रिस्तानों पे, कितनी जगहों पे जो है कब्जे हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुले तौर पे नोट गिन रहे हैं। देखिए जो वक्फ की जमीनें हैं, जैसे शादरे वाली बात कर रहे हैं, उसमें बोलना चाहिए था सबको, पूरी कौम को बोलना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए था, हर जगह जैसे चले जाते हैं तो वैसे इस जगह पे भी जाना चाहिए था, मगर आज तक कोई गया ही नहीं, ना पूछने गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो करना चाहिए था जाके वहाँ पे कि ये कैसे बना रहे हो, कैसे बाउंड्री कर रहे हो, शायद अरे की पूरी बाउंड्री हो गई, आज तक के कोई पूछने ही नहीं गया। और ये नोट वाला मसला क्या था, क्या आपके रहते हुए नोट दिया गया था, आपके सामने नोट दिया गया था? मेरे सामने देखिए नोट नहीं दिए गए थे, नोट वाली वीडियो जो है वो हमारे सामने से भी गुजरी, हमने भी देखी, तो ये अपनी सीट पर बैठ के नोट गिन रहे थे और सभी ने देखी है, मतलब भूल लिया इन्होंने खुले तौर पे, और कर लिए हर जगह कर ही रहे हैं यही। फैजी साहब, आपने बड़ी आसानी से कहा कि चेयरमैन साहब घूस लेते हैं, बहुत सारे मामलों में लिए हैं, क्या आपने जो देखे हैं कुछ बयान करेंगे किन किन मामलों में? देखिए अभी जैसे यही वीडियो एक आई इनकी, इसी में सामने सब बैठ के अपनी सीट पे ही गिन रहे हैं, और ऐसे बहुत से मामले हैं कि जो धीरे धीरे इनके सामने आपके आएंगे ही, अभी जब तक के देखिए कोई सबूत नहीं हो तो बिला फायदे में नहीं बताना चाहिए, जब कोई सबूत समय हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे सबूत समय। आपसे कौम के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कि आपने तालकटोरा करबला को एक अच्छी करबला के रूप में पेश किया है, काम किया है, और वक्फ को लेके जिस हिसाब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी कहाँ तक जारी रहेगी? देखिए वक्फ की लड़ाई जो है जब तक ये गलत करते रहेंगे लड़ाई जारी रहेगी, सही काम करते रहें कोई लड़ाई नहीं होगी, मगर जब वफ़ों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जैसे कि अजीमुल्ला खां करबला है, वहाँ पे आज तक के 10,000 स्क्वायर फीट पे लोगों के कब्जे हैं, आज तक के कब्जा नहीं हटा, हाजी मसीता है उसकी बाउंड्री तक के आज तक के नहीं कराई, ये जो वफ़ हैं अभी जिनके ऊपर बाउंड्रियाँ नहीं है, जिनके ऊपर कुत्ते लौटते हैं, कब्रें खोद के ले जाते हैं कुत्ते, उनका तो अभी तक के हल नहीं हुआ, तो कौन सा वफ़ का काम किया है इन्होंने अभी तक? एक वफ़ बता दें, जो वफ़ डेवलप हैं उनने मुतवल्ली अपने बना दिए, जो वीरान पड़े वो आज तक के वीरान है। ऐसा भी हो सकता है कि कल आप चेयरमैन बन जाएं वक्फ बोर्ड के,
शिया वक्फ बोर्ड के, तो आप किस काम को प्रायोरिटी पे करेंगे? देखिए, अगर बन गए तो हमारा तो सबसे पहला काम यही होगा कि जो उजड़े हुए हैं, जहां कब्जे हैं, उनको हम पहले डेवलप करेंगे। हम उनको थोड़ी ना उजाड़ेंगे कि जहां मुतवल्ली काम कर रहे हैं सही, उनको क्यों उजाड़ेंगे? हमारी दुश्मनागी किसी से नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ रहेंगे, चाहे वो इनके बनाए हुए मुतवल्ली हों। मतलब इनके बनाए हुए ऐसे मुतवल्लियों को बाकी रखेंगे, आठ आठ वफ के जो मुतवल्ली बने हुए हैं, दस दस वफ के कब्रों को बेच रहे हैं। आठ आठ दस नहीं, जैसे जो मुतवल्ली सही काम कर रहे हैं, जहाँ पे ठीक काम हो रहे हैं। अब जैसे कि दरगाह हजरत अब्बास में काम हो रहा है, दिख रहा है काम सही हो रहा है, काम बढ़िया कर रहा है जो मुतवल्ली है, वो काम अच्छे कर रहा है। वो वैसे लोगों को तो रखना चाहिए कि जिनका काम दिखे, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन उस पर भी नकेल लगाने के लिए कुछ लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है, शायद आपकी जानकारी में होगा। अब उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं, उसको जैसे उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसके पीछे लग गए हैं लोग। मगर वो देखिए, दरगाह पहले भी देखी थी लोगों ने, अब दरगाह है, दरगाह अच्छा काम हो रहा है। आखिर में आप लखनऊ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो वफ की जायदाद को कैसे बचाएं? देखिए, वफ की जो जायदादें हैं, जितने भी मुतवल्ली हैं, पहले तो हर अंजुमनों को दो दो आदमी, एक एक आदमी हर जगह, हर करबला दरगाह में मेंबर होना चाहिए उस कमेटी में। पहले से ये सब चलता चला रहा धरना प्रदर्शन में कि हर अंजुमन के दो दो आदमी रखे जाएंगे, आज तक के नहीं रखे गए। नहीं, अब तो कह दिया, अभी ऐलान किया है, कहाँ रखे गए कि हर अंजुमन को एक प्लाट दिया जाएगा? प्लाट तो दूसरी बात है, पहले तो अंजुमनों को तो आप कहीं जिम्मेदारी दीजिए, हर मुतवल्ली भी दीजिए, और वो भी जितने भी अंजुमने हैं उनको आप धरने प्रदर्शन में आप यूज कर लेते हैं। और उसके बाद कहीं कोई अंजुमन के बताए सरपरस्ती में है, कोई करबला का दरगाह एक बता दे कोई। आपसे आखिरी सवाल कि क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी सही काम कर रहे हैं और मुसलमानों की समस्याओं पर उनका ध्यान है? देखिए, योगी जी जो काम कर रहे हैं, मुसलमानों की समस्याओं पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप जितने मदरसे हैं सब में तालीम, एक तो उर्दू ही पढ़ाई जाएगी और हिंदी ही पढ़ाई जाएगी बच्चों को, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो साबित कर रहे हैं। योगी जी का जो काम है, मोदी जी का काम, वो बहुत अच्छा है। वो अभी समझने में लोगों को टाइम लग रहा है, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये सरकार जो है मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रही है। लेकिन एक चोर को, जो घुसखोर है, उसको चेयरमैन बनाए हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उसकी जांच चल रही है, सब चीजें होंगी, जब धीरे धीरे होगी। मुख्यमंत्री जी के पास भी कोई एक लखनऊ नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश है, उसमें वो काम कर रहे हैं। उनका मिशन ही यही है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना, और बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी देखिए, मदरसों के अंदर जो चीज़ें आई हैं, बच्चे तालीम में, अब आपके बच्चे जैसे कि हाई स्कूल में एक उनको डिग्री भी मिलेगी वहां से, और जैसे उन्हीं ने कहा था कि एक आदमी कुरान एक आदमी कंप्यूटर, तो उसको साबित भी कर दिया, कर भी रहे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।